नवरात्रि स्पेशल महाअष्टमी नवमी को भोग लगाई जाने वाली कन्या पूजन के लिए आज मैंने पूरी बना के रखी है। आप देख सकते हैं पूरी का कलर कितना सुंदर है और बहुत ही करारी ये पूरी बनके तैयार होती है। बाकी पूरियों से ये पूरी एकदम से अलग है, तो इस रेसिपी को ज़रूर से आप एक बार ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेम्पटिंग सी रेसिपी है और बहुत ही करारी बनके ये तैयार होती है। तो इस रेसिपी को शुरू से एंड तक ज़रूर से देखिएगा और इस रेसिपी को इस बार जो है ना कन्या पूजन में ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें। कन्या पूजन के लिए पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक परात लेंगे। इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी गेहूं का आटा। तो यहाँ पे जो है मैं 2 कटोरी ले रही हूँ। आपको कम चाहिए तो कम ले सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी में जो है 2 चम्मच ही मैंने सूजी डाला है। ये बारीक वाली सूजी है जिससे हमने हलवा बना के रखा था इससे पहले वाले वीडियो में। तो 2 चम्मच जो है हम इसमें सूजी डालेंगे, तो बारीक वाली सूजी ही आप इसमें डालें। अब इसमें मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, तो यहाँ पे जो है 1 चम्मच के आसपास आप इसमें चिली फ्लेक्स डाल दें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ जिसे आप हाथों से इस तरह से क्रश करके डालें। 1 टीस्पून जितना आप इसमें अजवाइन डाल दें। अब यहीं पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सेंधा नमक, तो यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून के आसपास सेंधा नमक डाल रही हूँ। थोड़ा कम ही डालें इसमें आप। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़े से बारीक कटे हुए हरे धनिया के पत्ते और 1 मैंने हरी मिर्च को बारीक काट के इसमें डाल दिया है। यहाँ पे आप हरी मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 चम्मच हम इसमें डालेंगे देसी घी, इससे बहुत ही सॉफ्ट पूरियाँ बन के तैयार होती है और सूजी डालने से जो है बहुत ही करारी ये पूरी बन के तैयार होती है। तो सूजी और घी को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब क्या करेंगे, इसे हम मिक्स करेंगे। तो इसे आप अच्छी तरह से ज़रूर से मिक्स करें। इस आटे को हम घी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, यानी कि घी को जो है अच्छी तरह से आटे के ऊपर मल लेना है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसे ज़रूर से मिक्स करें। तो यहाँ पे मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम एक बहुत ही अच्छा सा डो लगा लेंगे। डो जो है हमारा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। डो जो है जैसा हम रोटी वगैरह बनाते हैं वैसा ही डो होना चाहिए। तो यहाँ पर एकदम सॉफ्ट वाला डो आप बिल्कुल भी ना लगाएँ। तो यहाँ पर जो है डो को हम बहुत अच्छी तरह से मल लेंगे 2 से 3 मिनट जितना। तो यहाँ पे देख सकते हैं डो मैंने लगा लिया है। अब इसे आप अच्छी तरह से मल लें 2 से 3 मिनट जितना, ताकि ये बहुत ही नरम हो जाए। तो यहाँ पे इसे आप मल लें, तो देख सकते हैं डो जो है ना ही सॉफ्ट है ना ही हार्ड है, यानी कि ना ही कड़ी है ना ही ये नरम है। तो इसी तरह का आप भी डो लगा के रेडी करें। उसके बाद जो है ना ढक्कन लगा के इसे हम रेस्ट के लिए 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट के लिए इसे आप ज़रूर से रेस्ट के लिए रखें, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। और इस तरह से जो है ना इसे आप 2 से 3 मिनट जितना ज़रूर से मल लें। तो इसे मलना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने मल लिया। अब इसे ढक्कन लगा के हम 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि डो जो है अच्छी तरह से फूल जाए, क्योंकि इसके अंदर हमने सूजी डाला है तो सूजी को फुलाना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। 15 मिनट तक इसे आप रेस्ट ज़रूर से करने दें। 15 मिनट के बाद जो है ना हम इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसे चेक करें। अब इसे जो है 1 मिनट जितना आप हल्के हाथों से मल लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं डो जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, सूजी जो है बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसके छोटे छोटे लोई बना लेंगे। जितना बड़ा आपको पूरी बनाना है उसी हिसाब से आप इसके लोई तोड़ें। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे लोई तोड़ लूँगी। तो सारे लोई को आप इस तरह से चिकना कर लें हथेली के बीच में डाल के। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप लोई बना के रख लें प्लेट में। सारे लोई को हम बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारे लोई को मैंने तैयार कर लिया है। अब हम इसे रोल करेंगे। तो यहाँ पे जो है एक चकला बेलना ले लें। उसके बाद जो है ना चकले के ऊपर आप थोड़ा सा घी लगा दें, या तो आप इसे सूखे आटे से भी रोल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसे घी से रोल कर रही हूँ। इससे जो है ना बहुत ही नरम ये पूड़िया बन के तैयार होती है। अब इसे हम रोल करेंगे। एक लोई को ले लें, उसके बाद इसे आप रोल कर लें। जैसा कि हम रोटी वगैरह बेलते हैं वैसे इसे हमें बेलना है। तो इस तरह से आप इसे बेल लें। बहुत ही पतला इसे ना बेलें, नहीं तो ये फूलेंगे नहीं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो है मैंने इसे रोल कर लिया है। रोल करने के बाद जो है ना यहाँ पे इसे हम कट करेंगे। तो एक कटोरी ले लें, उसकी सहायता से इसे आप कट कर लें, ताकि गोल गोल पूड़ियाँ जो है हमारी बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। साइज़ आप चेक कर सकते हैं, छोटा या बड़ा आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पूरी का थिकनेस आप देख सकते हैं, और ये जो आटा है इससे हम फिर से दोबारा लोई बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी पूरियों को बेल लिया है। अब इसे हम तल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने घी को गर्म कर लिया है। आप इसे घी में या तेल में तल सकते हैं, जिसमें भी आप तलते हैं
उसमें आप इसे तलें, तो घी को बहुत ज़्यादा गर्म कर ले, उसके बाद जो है ना पूरी को आप इसमें डालें। तो पूरी डालते समय जो है ना फ्लेम को हमें हाई रखना है, हाई फ्लेम पे हम पूरी को डालेंगे। उसके बाद जो है ना इसे हम इस तरह से दबा देंगे करछी से ताकि ये फूल जाए, और जैसे ही पूरियाँ फूल जाएगी उसके बाद जो है ना फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छी तरह से सेक लेंगे जब तक ये करारी ना हो जाए। तो देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया पूरी के ऊपर, और दिखने में और खाने में दोनों में ये बहुत स्वादिष्ट होती है। तो इस तरह से आप एक बार में 2 से 3 पूरी तल सकते हैं। तो देख सकते हैं ना कलर कितना सुंदर आया है। तो सारी पूरियों को आप इस तरह से बना के तैयार कर ले। तो इस कन्या पूजन में आप ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें, बहुत ही पसंद आएगी सबको। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी पूरियाँ जो है ना एक जैसी फूलेगी और बहुत ही करारी ये बनके तैयार होती है। 1-2 घंटे बाद भी ये फूली की फूली हुई रहती है और बहुत ही करारी बनी रहती है। तो आप इस कन्या पूजन में ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करें, और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर से इस रेसिपी को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस कन्या पूजन इस पूरी को तैयार कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग और कितना सुंदर ये पूरी बनके तैयार हुई है। तो है ना बहुत ही अच्छी सी रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। इसे मैं सर्व करूँगी सूजी के हलवे के साथ और काले चने के साथ। तो देख सकते हैं मैंने पहले से ही हलवे और चने को बना के रखा है, इसमें आप पूरी को सर्व कर दे। तो है ना बहुत ही सिंपल सी रेसिपी और बहुत ही टेम्पटिंग ये बनके तैयार होती है। तो देख सकते हैं कितनी करारी पूरियाँ जो है बनके तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा इस कन्या पूजन में, और अगर आपको ये रेसिपी बनाने के बाद पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो ले लीजिए, बन के तैयार है हमारा कन्या पूजन के लिए बहुत ही टेम्पटिंग सा थाली। तो मेरे तीनों वीडियो को आप ज़रूर से देखिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हलवा और काले चने की रेसिपी को शेयर किया है, तो वहाँ पर जाकर ज़रूर से इस वीडियो को एक बार चेक कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी सी ये थाली बन के तैयार होती है। तो इस कन्या पूजन जरूर से आप तीनों रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो है ना बहुत ही टेम्पटिंग सी रेसिपी। यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारी पूरियों को मैंने तल के रेडी कर लिया है। बहुत ही टेम्पटिंग सी रेसिपी है और बहुत देर तक ये करारी बनी रहती है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग दिख रहा है ये प्लेट कन्या पूजन के लिए। तो बनाने के बाद अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो है ना बहुत ही अच्छी सी रेसिपी इस कन्या पूजन, ज़रूर से आप इसे ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर से लिख के बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और आप सभी को जय माता दी और नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ।